सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पॉइंट फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ट्रिक लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपसे व्हाट्सएप पर कोई गलती से मैसेजेस सेंड हो जाते हैं तो आप उसे तुरंत रिकॉल कर सकते हैं और जो आपके मैसेज का रिसीवर होगा वो भी उस मैसेज को नहीं देख पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो आपके पास भी व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे जो डिलीटेड होते होंगे। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये कौन सा मैसेज था जिसे सेंडर ने डिलीट कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आज की इस ट्रिक को यूज करने के बाद अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज सेंड करके उसे डिलीट भी कर देता है, रिकॉल कर देता है, तो आप फिर भी उस मैसेज को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाले आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले अगले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये फीचर अभी आपको GB व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो अगर आप अपने फ़ोन में GB व्हाट्सएप डाउनलोड करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में अभी दो व्हाट्सएप है, एक ये ओरिजिनल वाला और दूसरा है GB व्हाट्सएप जो यहाँ पर है। तो मैं अभी आपको अपने ओरिजिनल वाले व्हाट्सएप से GB व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करने के बाद उसे रिकॉल करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपना ये ओरिजिनल वाला व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। अब GB व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करता हूँ, हाय। मैसेज सेंड हो चुका है। अब मैं इसे डिलीट यानी रिकॉल कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू डिलीटेड दिस मैसेज, मतलब मैसेज डिलीट हो चुका है। तो मैं अब अपना GB व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है पर इसमें लिखा हुआ है दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो ऐसे मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे आते होंगे। तो आपके मन में उस समय एक सवाल आता होगा कि ये कौन सा मैसेज था जिसे सेंडर ने डिलीट कर दिया है। तो अब आपको अपने GB व्हाट्सएप पर एक सेटिंग करना है। तो ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं राइट साइड तरफ सबसे ऊपर में कॉर्नर पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन प्राइवेसी पर जाना, उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन इनेबल एंटी रिवोक, तो इसे आपको इनेबल कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करके इनेबल कर दिया हूँ। मेरा GB व्हाट्सएप पर ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो इसी तरह से आपको भी अपने GB व्हाट्सएप पर इसे इनेबल कर देना है। अब मैं अपना फिर से ओरिजिनल वाला व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से GB व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ, हेलो। मैसेज सेंड हो चुका है। अब मैं इसे डिलीट यानी रिकॉल कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू डिलीटेड दिस मैसेज, मतलब मैसेज डिलीट हो चुका है। तो अब मैं अपना फिर से वो GB व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है हेलो का, लेकिन मैंने वहाँ पर तो वो मैसेज डिलीट कर चुका था, फिर भी यहाँ पर ये मैसेज मुझे शो हो रहा है, मैं इसे देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो ये फ़ायदा है आपको अपने GB व्हाट्सएप पर एंटी रिवोक के ऑप्शन को इनेबल करने का। तो इस तरह से आप अपने GB व्हाट्सएप पर एंटी रिवोक के ऑप्शन को इनेबल करके इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई पर्सन मैसेज सेंड करने के बाद उसे रिकॉल भी कर देगा, फिर भी आप उस मैसेज को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।